हेलो एवरीवन, और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग एडिट टेक्स्ट कैसे बनाते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे और कैसे उसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। सो एडिट टेक्स्ट बनाने के लिए बेसिकली आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग टैग लगाएंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे एडिट टेक्स्ट। जैसे आपको हिंट अपीयर हो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं, इससे ऑटो टाइपिंग हो जाएगी। लेआउट विड्थ में आप लोग को लिखना है रैप कंटेंट, हाइट में आपको लिखना है रैप कंटेंट, और फिर आप स्लैश लगा के ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं और सबसे पहले देंगे EMS। EMS का मतलब होता है एनिमेटेड स्ट्रिंग। ये आपके एड टेक्स्ट की लेंथ बताता है कि आपका एड टेक्स्ट कितना लंबा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने EMS लिखी या वैल्यू डाली 15। सो जो हमारे एड टेक्स्ट है उसकी लेंथ आ गई है 15 और वो साइज पे कवर हो चुका है। इसके बाद हम लगाएंगे ग्रेविटी और ग्रेविटी कर देंगे सेंटर। इससे जो हमारा एड टेक्स्ट है वो पेज के सेंटर पे आ जाएगा। इसके बाद हम लोग लगा सकते हैं मार्जिन टॉप, जिससे हमारा जो एडिट टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा स्क्रीन पे। तो मैंने यहाँ दी 20 डेंस पिक्सल्स। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और दे देता हूँ लाइक 100 नाउ। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद इस एडिट टेक्स्ट के अंदर हम लोगों को एक बहुत अच्छा बटन बनाना पड़ेगा जिस बटन से हम वर्किंग करवा सकते हैं। सो बटन बनाने के लिए हम लोग टाइप करेंगे बटन रैप कंटेंट, रैप कंटेंट, पैकेट को क्लोज कर देंगे। पैकेट क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ जाके टाइप करेंगे टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट से हम लिख सकते हैं कि बटन पे क्या लिखा होगा। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया क्लिक किया। उसके बाद हम बटन को भी सेंटर पे ला सकते हैं ग्रेविटी यूज करके। तो हम टाइप करेंगे लेआउट ग्रेविटी और उसके बाद हम लिख देंगे सेंटर। इसके बाद हम लोग मार्जिन देंगे मार्जिन टॉप, और मार्जिन टॉप से हमारा जो बटन है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा बटन और एडिट टेक्स्ट रेडी है। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना किया है कि एडिट टेक्स्ट कैसे डिजाइन करते हैं और बटन कैसे डिजाइन करते हैं। थैंक यू सो मच।